खिदमते खल्क में हिस्सा लिया लिया ना लिया, फिर ऐसे शख्स का क्या है, जिया जिया ना जिया। अभी है वक्त तुम नेकियों में शामिल हो, फिर वक्त ने तुम्हें मौका दिया दिया ना दिया। जैसा कि आप नमस्कार, मैं हूं अजमल खान, आप देख रहे हैं AIN न्यूज। AIN न्यूज में आप सभी का स्वागत है। तेज और तर्रार और नई खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों, मैं इकबाल अहमद खान AIN न्यूज से। आज ये अल हयात चैरिटेबल क्लिनिक चालू हुआ है इधर, ये देखिए यहाँ पे सब तैयारी हो चुकी है, ये दवा वगैरह सब आ गई है इधर, और यहाँ पे बेड भी लगा दिया गया है, ग्लूकोज वगैरह चढ़ाया जाएगा इधर। अनस भाई, आप कुछ आपकी क्या पोस्ट है और क्या है, क्या नाम और क्या आप हॉस्पिटल के बारे में कुछ बताना चाहोगे? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अनस है। मैं अल हयात चैरिटेबल क्लिनिक जो है, जो अंजुमन अफकार नबूवत के अंडर में चल रही है, उसका जनरल सेक्रेटरी हूँ, और यहाँ पे अल हयात चैरिटेबल क्लिनिक चालू हुआ है। तो मैं पूरे कांदेवली की आवाम से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग जो है कल से यहाँ सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और शाम को 6 बजे से रात को 10:30 बजे तक डॉक्टर लोग बैठेंगे, आप लोग आकर यहाँ हमें सेवा करने का मौका दें, और यहाँ इंशाल्लाह ऐसी कोशिश की जाएगी कि आप लोग की पूरा इलाज और ट्रीटमेंट हो, और खून पेशाब का जो चेकअप है मार्केट रेट से 50% डिस्काउंट में होगा, और 20 रुपये में यहाँ लोगों का चेकअप और इलाज भी किया जाएगा। और मैं पूरे कांदेवली के लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग यहाँ पे एक मरतबा आकर ये क्लिनिक भी देखें और यहाँ के डॉक्टर वगैरह से अपना ट्रीटमेंट कराएँ। और कुछ तालुका अध्यक्ष आप कुछ बताएंगे? आज गणेश नगर वार्ड क्रमांक 32 जो कि नया वार्ड है, उसमें अल हयात क्लिनिक का उद्घाटन हुआ है, जिसको अफकार नबूवत जो संस्था है, अनस भाई, मौड़ा शाहिद, रेना भाई, ऐसे बहुत सारे लोग मिलकर इस चैरिटी को, इस क्लिनिक को चालू किया है। आज उसका ओपनिंग था, जिसमें नगर सेविका बहन रुखसाना सिद्दीकी जी आई थी। मैं ढेर सारी शुभकामनाएँ बधाई देता हूँ कि ऐसे स्लम में जहाँ ज़्यादा ज़रूरत है लोगों को मेडिकल फैसिलिटी के लिए, वहाँ पर ये क्लिनिक खुला है। इस क्लिनिक को चलाने और जो सुविधाएं हैं उसके लिए जो भी बन पड़ेगा, समाजवादी पार्टी उसके लिए खड़ी है, उसके लिए काम करके लेगी। लोगों को अपील करोगे आप? डेफिनेटली मैं लोगों से अपील करूँगा कि एक चैरिटी क्लिनिक है जो कि 20 रुपये में आपका नॉर्मल इलाज कर रहा है, 20 रुपये में आपको दवा दे रहा है, ब्लड टेस्टिंग वगैरह करा रहा है, और बहुत सारी सुविधाएं यहाँ से दी जाएगी। उसके लिए मैं अपील करूँगा यहाँ की जनता से कि यहाँ पर आएँ और उपचार कराएँ, और बहुत सारे यहाँ से बड़े बड़े बीमारियों को भी जो है हम लोग लीड करने का काम करेंगे। जो भी हमसे बन पड़ेगा, पार्टी से बन पड़ेगा, हम लोग करेंगे। आपका नाम सर? मैं सिद्दीकी अबू हुरैरा, अल हयात कोर कमेटी का मेम्बर हूँ। हम लोगों ने जनरली ये जो प्लान है, तो पूरे महाराष्ट्र में ऐसे 15 क्लिनिक ऑलरेडी चल रहे हैं। हम लोगों ने जो हम लोगों को यहाँ पे आइडिया मिला है, तो मरवल बैतुल माल में एक चैरिटेबल ट्रस्ट चलता है, वहाँ से हम लोगों ने सारी आइडिया मिली। मेन पर्पज़ जो हम लोगों ने देखा, कोविड में लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे, हद से ज़्यादा लोगों में परेशान हुए हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ डे बाई डे महंगा होते जा रहा है, तो हम खुद ही स्लम में रहते, हमने देखा यहाँ के लोगों किस तरह से परेशानियाँ झेल रहे हैं, तो हम चाहते हैं यहाँ पर रहने वाले लोगों को अच्छा इलाज मिले। फ्यूचर में हमारी कोशिश अच्छी शिक्षा के लिए भी रहेगी। अभी हमारा यहाँ पर जो मेन कॉन्सेप्ट है, तो हम 20 रुपये में इनको इलाज और दवा दोनों, दवा और जांच करने वाले हैं। फ्यूचर में हम लोग 50% डिस्काउंट में खून और पेशाब की जांच करेंगे। हमारा फ्यूचर प्लान है कि हम चाहेंगे कि यहाँ से जो है डेंटल, सोनोग्राफी, ये सब भी करेंगे, बट एट प्रेजेंट हमारा जो मेन फोकस है 20 रुपीज़ में मेडिसिन प्रोवाइड करना है। और डॉक्टर जो है, ऐसे नहीं कि कोई भी डॉक्टर्स को हम लोगों ने रखा है, वेल क्वालिफाइड, महाराष्ट्र जो उनका सर्टिफिकेट, उन लोगों का हम लोगों ने चेक किया है, एक्सपीरियंस डॉक्टर को हम लोग ने यहाँ पर अपॉइंट किया है। अच्छा, आप कुछ बताए? नहीं, नहीं कहा।
सबसे पहले अब्दुल मुत्तलिब साहब, मौलाना अनस साहब, अजहर साहब, हारून चौधरी साहब, असलम भाई और जमीयत की पूरी टीम, मंच पर सभी बैठे हुए मान्यवर, हमारे भाई कमलेश, आज सबसे पहले आप सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और सबसे पहले आदिवासी आदमी साहब का, क्योंकि उन्होंने मुझे यहाँ पर आने के लिए कहा। आजमगढ़ में आप सभी को पता है कि इलेक्शन है, हमारे माननीय अखिलेश जी का आदेश था, वहां जाना जरूरी था, इसीलिए उनकी तरफ से अबू आसिम आजमी साहब ने कहा कि रुखसाना आप चली जाओ, मैं नहीं आ पाऊंगा। और आप सभी से तहदील से माफी मांगी है उन्होंने, और मुझे अच्छा लगा कि अगर आज आसिम भाई आते तो शायद हमारा आना नहीं होता। और ये जो इतनी अच्छी मीटिंग, देखिए हम लोग पॉलिटिकल लोग हैं, बहुत सारी पॉलिटिकल मीटिंग में जाते हैं, लेकिन जब कभी ऐसे प्रोग्राम में आते हैं, अल हयात जैसे चैरिटेबल ट्रस्ट हो गया, एनजीओ हो गए, और वहां पर हमें बाबा जी जैसे लोग दिखते हैं, और बहुत सारे हमारे हिंदू भाई यहाँ पर है। देखिए हिंदू मुस्लिम की एकता की मिसाल अगर कहीं से दो तो ऐसे एनजीओ से हम लोग दे सकते। आज देश और दुनिया का जो माहौल है आप सभी जानते हैं, वैसे माहौल में, वैसे फिरकाप्रस्त माहौल में अगर एक ऐसी मीटिंग को अटेंड करने का मौका मिले तो मैं समझती हूँ उससे अच्छी बात कोई नहीं हो सकती। आज यहाँ पर ये हॉस्पिटल खुला है, यकीन जानिए जब से कोरोना काल गया है, और आप लोग देख रहे हैं कि कोरोना काल के बाद जो कारोबार की हालत है बद से बदतर होती जा रही है। अगर पूरे घर में एक इंसान बीमार हो जाए तो यकीन जानना औरतों से पूछिए, आदमियों से पूछिए कि उनके घर का पूरा निजाम खराब हो जाता है। और ऐसी परिस्थिति में ऐसे किसी दवा खाने का इफ्तिताह होना कि हर तरीके के इलाज, जैसे हमारे मुख्तलिफ भाई बता रहे थे कि बड़े बड़े इलाज, दिल में सुराख का ऑपरेशन कोई मामूली बात नहीं होती, अगर ऐसे बड़े बड़े काम एनजीओ और ट्रस्ट के माध्यम से अगर हो रहे हैं तो मैं समझती हूँ अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और जैसे बाबा जी ने बताया कि गोरेगांव ईस्ट में जो वागेश्वरी मंदिर है, जब उसका मोर्चा और धरना हो रहा था तो उसमें अबू आसिम आजमी साहब सबसे पहले और आगे खड़े थे, और हमें बड़ी खुशी होती है बताते हुए कि उस वक्त हम लोग भी उनके साथ थे। और ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हिंदू मुस्लिम को दर्शाती है। और देखो बाबा जी बता रहे थे मौलाना असलम साहब की बात, हर इंसान को मौलाना असलम जैसा बनना होगा, ताकि हमारे बीच में जो भेदभाव की जो दीवारें खड़ी हो चुकी है, ऐसी दीवारों को खत्म करने के लिए हम सभी लोगों को आगे आना पड़ेगा, हमारे किरदार को बदलना होगा। हमारे हुजूर का फरमान है कि पड़ोसियों के साथ, आज मैं देख रही हूं कि इंसानियत को भूल के सिर्फ हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, इंसानियत का कहीं नाम और निशान नहीं रह गया। लेकिन हमारे हिंदुस्तान को सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये सिर्फ इसीलिए कहा जाता था कि सारे जाति धर्म वर्ग के लोग हिंदुस्तान में मिलजुल के रहते थे, और वही सभ्यता हम लोगों को वापस से कायम करनी है, और ये हम ही लोग कर सकते हैं। कोई नेता अभिनेता के बस की बात नहीं, अगर आम जनता अगर चाहे तो कुर्सी पर किसी को भी बिठा सकती है और किसी को भी उठा के फेंक सकती है। जनता जनार्दन होती है,
करना, और अगर पॉलिटिक्स में रहना है तो मैं कहती हूँ सिर्फ काम की बात कीजिए, विकास की बात कीजिए, जो जाति और धर्म की बात करो उसको घर पर बिठाने का काम हम सबको मिलकर करना है। जिसको जाति और धर्म की बात करनी है वो मंदिर और मस्जिद में जाए, लेकिन अगर पॉलिटिक्स में रहना है तो सिर्फ हमारे बच्चे किस तरीके से पढ़ेंगे लिखेंगे आगे बढ़ेंगे, हमारे देश का विकास कैसे होगा, हमारी बेरोजगारी कैसे खत्म होगी, हमारा देश कैसे आगे जाएगा, सिर्फ इसमें हम लोगों को बात करनी। तो आने वाले इलेक्शन में देखिए आप सभी को बहुत सोच समझ के कोई भी फैसला करना है, और मैं फिर से एक बार आप सभी का दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि ऐसे अल हयात जैसे चैरिटेबल ट्रस्ट हमारे अनंत भाई और जितने जमीयत के लोग हैं, अल्लाह पाक इनको सेहत याफ्ता रहे, सेहत याफ्ता रखे, तंदुरुस्त रखे, और मंच पर उपस्थित मुंबई महानगर पालिका की एवं समाजवादी पार्टी की मुंबई महिला अध्यक्ष बहन रुखसाना सिद्दीकी जी, अल हयात चैरिटेबल ट्रस्ट के तमाम जिम्मेदार यहां आए हुए, यहां के स्थानीय नगर सेवक माननीय कमलेश यादव जी एवं भाई दीपक बाला तावड़े जी, बाबा सत्यनाम दास जी, अनस भाई, बड़ा शाहिद साहब तथा आए हुए तमाम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, कोविड के इस कठिन परिस्थिति में जो पूरा देश ने जिस परिस्थिति को देखा, उस परिस्थिति के बाद एक फील हुआ कि कहीं ना कहीं हिंदुस्तान में अगर सबसे ज़्यादा कुछ इसकी ज़रूरत है वो है मेडिकल डिस्पेंसरी क्लिनिक। हमारे जाबाज डॉक्टर्स जो छोटे छोटे क्लिनिक चला रहे थे, हमने देखा वो मैदान में उतर कर कोविड के इस कठिन परिस्थिति में उन्होंने अपनी जानों की आहूति देकर पेशेंट्स को बचाने का काम किया है। आज उसी की एक कड़ी है जो अल हयात चैरिटेबल क्लिनिक यहाँ पर खुली है। अनस भाई को मैं दिल से मुबारकबाद देना चाहूँगा कि ऐसी कल्पना हम लोग हमेशा करते थे कि ऐसा क्लिनिक यहाँ पर होना चाहिए था, और उसकी एक शुरुआत हुई है। मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। आज इस क्लिनिक का ओपनिंग हमारे मुंबई महाराष्ट्र के अध्यक्ष जनाब अबू आसिम आजमी साहब करने वाले थे। दुर्भाग्यपूर्ण है कि आजमगढ़ का उपचुनाव है, माननीय अध्यक्ष यादव जी ने उन्हें परसों रात में ही बुला लिया। रात में हमारी बात हुई तो बहन रोशाना सिद्दीकी जी यहाँ पर आई इस ओपनिंग में, मगर माननीय अबू आसिम आजमी साहब ने विश्वास दिलाया है कि आने वाले वक्त में जब भी वो उत्तर प्रदेश से फ्री हो जाएंगे तो यहाँ जरूर आएंगे, विजिट करेंगे, आप लोगों से मुलाकात करेंगे, और इस क्लिनिक को चलाने में जो भी योगदान समाजवादी पार्टी की या माननीय अबू आसिम आजमी की या मेरी रहेगी, उस भूमिका को हम लोग आगे निभाते रहेंगे। मैं बहुत कम शब्दों में अपने बात को समेटना चाहता हूँ।